हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है हॉनेस्ट रिव्यू बाय समीर। आज हम वहीं आए हैं जहां पर कल आए थे, लेकिन फ़र्क इतना है कि कल मैं जब आया था तो दिन में आया था, तो आपको रात का व्यू भी दिखाना था, इसलिए मैं आज फिर से रात में आया हूं, जिससे कि आपको मालूम पड़े कि इस मेले का जो आयोजन है, जो लाइटिंग है, वो किस तरह की दिख रही है। जब ही तो आप आएँगे, ये देखिए झूला है, कितना अच्छा लग रहा है टेडी बियर के साथ में, क्योंकि इसमें एक मिक्की माउस का टेडी बियर है। और आज देखिए रात को जो है पब्लिक भी काफ़ी आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिन में नहीं आती है, और जो मेले का मज़ा है वो रात में ही आता है। अब आपको खूब दिख रहा होगा इसमें कि लाइटिंग कितनी अच्छी की गई है इसमें। जब ही आप देख पा रहे होंगे कि झूले में जो इस जो मेले में आयोजन किया गया है झूले का, सभी पे लाइटिंग है, तो अभी जो देखने का एक मज़ा है वो अलग ही होगा। तो चलिए देखते हैं। यह है आगरा का फतेहाबाद रोड एशियन सर्कस, जो कि लगा है फतेहाबाद रोड ताजमहल के आगरा पॉइंट के पास, ताजमहल से आगे आगरा पॉइंट के पास में उसके पीछे ही लगा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा मेले का आयोजन किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं झूले हैं, और बहुत ही तरह के झूले लगाए गए हैं इसमें, जो कि आपने नॉर्मल मेले जो होते हैं उनमें नहीं देखे होंगे। देखिए ये है आपका जो ड्रैगन झूला, इसमें लाइक ट्रेन की तरह बच्चे बैठे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना आयोजन किया गया है मेले का। आप यहां पर आकर इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये मैं दोबारा बताना चाहूँगा, फतेहाबाद रोड जो कि ताजमहल से थोड़ा सा आगे वाला जो पश्चिमी गेट होता है उससे आगे आके, और ये आगरा पॉइंट के पीछे वाला जो मैदान है वहाँ पर लगा हुआ है, आपको वहाँ से दिख जाएगा। ये देखिए जो सबसे बड़ा झूला होता है वो लगा हुआ है, और इस झूले का आप लाइटिंग देखिए, ऐसी लाइटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इन्होंने लाइटिंग कर रखी है। बहुत ही गजब का आयोजन किया गया है। ये आप यहाँ पर आइए और इस मेले आयोजन का मजा लीजिए। झूले बहुत तरह के आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये भी एक झूला है, आप देख सकते हो पब्लिक जो आई हुई है वो बहुत ही एंजॉय कर रही है इस मेले को। ये नाइट का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये टिकट काउंटर है। ये मंच है जहाँ पर लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं। ये डांस होता है यहाँ पर, जो भी पार्टिसिपेट करता है बच्चा वो यहाँ पर डांस करता है। स्टेज लगाया हो गया है उस मेले में। झूला लगा है वो सबसे आकर्षक का केंद्र है। जो लाइटिंग इस पे की गई है वो बहुत ही आकर्षक का केंद्र है। देख सकते हो आप क्या लाइटिंग की गई है झूले पे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक झूला दिखाता हूँ, बहुत ही आकर्षक झूला है, बहुत ही अट्रैक्टिव झूला है। इसको झूलने के बाद में आप वाकई में बोलेंगे कि ये आगरे में जितने भी मेले का आयोजन हुए होंगे ना, आपने शायद ही देखा होगा। क्योंकि ये जो झूला है ना, इसकी खासियत ये है कि जितने भी लोग इसमें बैठे हुए हैं वो सभी एक बिल्कुल सेंटर में जाके कभी कभी होल्ड भी हो जाते हैं। देखिए बिल्कुल इस तरह से होल्ड हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे ये झूला झूलेगा, जैसे जैसे ये मूव होगा ना, वैसे वैसे आपके दिल की धड़कन जो है ना बहुत ही तेज़ हो जाएगी। बहुत ही अच्छा झूला है। और इसमें जो लाइटिंग है ना, जितने भी झूले हैं इस पर जो लाइटिंग की गई है, इन जो मेले के आयोजक हैं उन्होंने जो आइडिया लगाया है, बहुत ही गजब का आइडिया लगाया है। और मैं कहूँगा कि आप एक बार ज़रूर आइए, और यहाँ पर जितने भी झूले हैं उनमें से आपको बहुत से झूले ऐसे होंगे जो आपने नहीं उनका आनंद लिया होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप आइए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा ध्यान से। थैंक यू सो मच।